तो क्या ड्रेसिंग चल रही है इसकी? हाँ जी। कितनी देर में कर देते हो एक बार मेकअप इसका पूरा? मेकअप लग जाता है 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे? हाँ जी, नहाने के बाद। नहाने के बाद 2-2.5 घंटे? हाँ, लग जाते हैं। दिल्ली से? दिल्ली करते हैं, कभी कभार रह जाता है काम हो तो। अच्छा, जरूरी स्टेप रह जाते हैं। क्या नाम इसका? डायमंड। डायमंड? हाँ जी भाई, डायमंड जो है ना ये आप देख रहे होंगे, और डायमंड बुल, डायमंड बुल है ना? हाँ जी, हाँ जी, डायमंड बुल। डायमंड बुल को हिस्सा दिलवाने के लिए लेकर आए हैं? हाँ जी बिल्कुल। पहले भी करवाया? हाँ, पिछले साल भी, पंजाब में भी। अच्छा, पंजाब में भी? हाँ। तो चैंपियन बना फिर? पंजाब में तीसरे स्थान पर आया। पंजाब में तीसरे स्थान पर आया, अब यहाँ हरियाणा में लेकर आए। क्या खिलाते हो? इतना मोटा ठाटक रखा है? मंदौड़ा, मक्की का आटा। अच्छा, चना? अच्छा, हाँ, खिलाते हैं। गाजर पा देते हैं, 5-6 किलो दूध पी जाता है। गाजर का हलवा देते हैं? हाँ, गाजर। क्या बात है, गाजर खा जाता है। 5-6 किलो दूध पी लेते हैं। 5-6 किलो दूध पी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैंने सुना कि बादाम, सेब, इस तरह की चीजें? नहीं जी, हम नहीं डालते। अच्छा, आप नहीं डालते? नहीं, नहीं जी। हाँ। अच्छा, नाम क्या अपना? मेरा नाम गुलाब सिंह है जी। गुलाब सिंह जी, कहाँ से आप? जिला सिरसा, तहसील सिरसा, गांव शाहपुर बेगू। तो अपने पास डायमंड बुल के अलावा भी और भी? हाँ, है पशु है। अच्छा, नहीं, बुल नहीं, और है, बच्चे हैं। अच्छा, वैसे 20 भैंसे हैं अपने पास। अच्छा, 20 भैंसे? हाँ, 3 गायें हैं। अच्छा, गिर नस्ल की। फिर इसका जो मेकअप का काम आप ही करते हो? हाँ, हम करते हैं, वो आदमी है बस। अच्छा, दूसरा साथी भी है? हाँ, साथी है। अच्छा अच्छा, तो शुरू से ही शौक है आपको? हाँ, ये सब जी, हाँ, 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 शौक है शुरू से ही। डेली 2-3 घंटे देते हो मेकअप में? देने पड़ते हैं जी। अच्छा, क्या करें? हाँ, जब कोई कंपटीशन आता है फिर ज्यादा करना पड़ता है। ज्यादा करना पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। तो सींग भी गोल कर रखे हैं इसके? बिल्कुल, सींग है, ऐसा शुरू से ऐसा है। सींग के नंबर भी होते ना शायद अपने आप में? नंबर के बारे में मालूम? अच्छा, नंबर के बारे में? बहुत अच्छी बात है भाई साहब। आप नाम क्या अपना? भुट्टा सिंह भाई। अच्छा, तो आप भी देख रेख करते हो? हाँ जी, पूरे करने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर इसको, बुल को रिंग में जाने से पहले तैयार किया जा रहा है, ताकि इसका अच्छा नंबर आए और ये अवार्ड जीते, इनाम जीते, अच्छा इसको मतलब जो है ना चैंपियनशिप का अवार्ड मिले। पहले भी ये बुल जो है तीसरे नंबर पर पंजाब में रह चुका है भाई साहब ने जैसा कि बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि आज जाएगा और बढ़िया पोजीशन लेकर आएगा। ठीक, धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। तो इस तरह की हम आपको जो पशुधन का जो मेला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ के अंदर, इसमें और पशुपालन हारों से मिलवाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर।